अस्सलाम वालेकुम अभी भी 5 लाख डाउन पेमेंट एंड 1% मंथली ईएमआई में खुद का घर, वो भी एमएम वैली में। एमएम वैली मतलब मुमरा का नया लोखंड वाला। और इधर आपको ग्राउंड प्लस 7 का विंग मिलेगा, जिसके नजदीक आपको स्टेडियम मिलेगा, आपको कॉलेज मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा और बहुत सारी एमिनिटीज वॉकिंग डिस्टेंस से मिलेगी। यहाँ का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 1% मंथली ईएमआई में टीएमसी में रेरा अप्रूव्ड में खुद का घर मिलेगा। हमारा पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है, प्लीज इसका बेनिफिट उठाइए। महेश जामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। सन की प्रेमी ने प्रेमिका की बहन की पीछ सड़क पर पिटाई की और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया, मगर आरोपी को कुलसेवाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के कल्याण में एक तरफा प्यार में प्रेमी ने प्रेमिका की बहन को सरेआम बीच सड़क पर पिटाई की और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया। घटना कल्याण पूर्व के कुलसेवाड़ी थाना क्षेत्र की है। पीड़िता की शिकायत पर कल्याण की कुलसेवाड़ी पुलिस ने हेमंत गमरे नामक युवक को हथकड़ी लगाकर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। कुलसेवाड़ी पुलिस के मुताबिक आरोपी हेमंत गमरे एक लड़की का पीछा करने लगा। उसके नज़दीक पहुंचने के बाद हेमंत ने लड़की से कहा कि मैं तेरी बहन से प्यार करता हूं, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करती है, उससे जाकर बोल दे कि मेरे साथ शादी कर ले। हेमंत की यह बात सुनकर लड़की हैरान हो गई और वह आगे की दिशा में चलने लगी। इसी दौरान हेमंत ने लड़की की पिटाई करना शुरू कर दिया। सड़क पर सरेआम पिटाई की और पिटाई करने के बाद उसका मोबाइल फ़ोन छीनकर हेमंत फरार हो गया। इसके बाद पीड़िता और स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। शिकायत मिलने के बाद मामले की गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने हेमंत गमरे को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना से परिसर में सनसनी फैल गई है। सरेआम एक लड़की की पिटाई से कल्याण में महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि घटना के बाद पुलिस आरोपी को पकड़ तो लिया है, लेकिन आम महिलाओं में इस घटना को लेकर चिंता और एक डर का माहौल बना हुआ है। कोळसेवाडीचे हद्दीमध्ये एका मुलाने मुलीचा वेळोवेळी पाठलाग करून तिच्या बहिणीला मोबाईलवर लग्नासाठी वेळ मागणी करून त्यांना त्रास देण्याचा प्रयत्न केला। तसेच 22 नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी 8 वाजता फिरेदीचा पाठलाग करून तिच्या हातातले मोबाईल हिसकावून तिच्याशी अश्लील वर्तणूक करून तिचा विनयभंग केला आणि मोबाईल घेऊन फरार झाला होता। अशी तक्रार दिल्यानंतर पोलिसांनी तांत्रिक पुराव्याच्या आधारे व इतर पुराव्याच्या आधारे आरोपीला पकडून त्यास पोलीस कस्टडी रिमांड घेण्यात आलेली आहे। तपास चालू आहे। आरोपीचं नाव आहे हेमंत गमरे।